बॉलीवुड के खूबसूरत और टैलेंटेड एक्ट्रेस आलिया भट्ट इन दिनों अपनी हाल रिलीज फिल्म जिगरा को लेकर चर्चाओं में बनी हुई है, जिसमें वो एक्टर विदांग रैना के साथ नजर आई। लेकिन फिल्म के रिलीज के बाद यह एक्ट्रेस ने खुद को लेकर एक चौंकाने वाला खुलासा किया। आलिया ने बताया कि उन्हें ADHD यानी कि अटेंशन डिफिशिएट हाई एक्टिविटी और डिसऑर्डर हादर है, यानी कि इसी के साथ वो हाल ही में टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा था कि अपनी इस बीमारी का जिक्र उन्होंने किया। दरअसल एक्ट्रेस ने बताया था कि उन्हें ADHD यानी कि अटेंशन डिफिशिएट हाई एक्टिविटी डिसऑर्डर है। इसका पता उन्हें एक मनोवैज्ञानिक टेस्ट से पता चला था। एक्ट्रेस ने यह भी खुलासा किया कि बचपन में कई बार वो अपनी क्लास के बच्चों से दूर हो जाती थी, कभी आराम से बात करते हुए अचानक गुस्सा हो जाती थी। आलिया ने बताया कि इस बीमारी की वजह से उनमें धैर्य बिल्कुल भी नहीं रहा। उनकी शादी के दिन ही उनका मेकअप मैन 2 घंटे तक उनसे कहता रहा है, लेकिन वो उस दिन आराम करना चाहती थी। आलिया भट्ट ने आगे ये भी कहा था कि जब भी उन्होंने इस बीमारी के बारे में अपने दोस्तों से बात की थी तो उन्होंने ये कहा है कि वो पहले से ही जानते थे, लेकिन आलिया को इसके बारे में हाल ही में पता चला है। बताते चलिए इसी के साथ आलिया ने कहा है कि जब वो कैमरे के सामने होती थी तो उन्हें सबसे ज़्यादा शांति मिलती है। इसके अलावा जब भी वो अपनी बेटी राहा के साथ वक्त गुजारती हैं तब भी वो बहुत ज़्यादा शांत रहती हैं। वो पल उनके लिए काफ़ी बेस्ट होता है जब वो अपनी बेटी राहा के साथ होती हैं। बताते चले बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल तो नहीं कर पाई है उनकी फिल्म जिगरा, लेकिन इसी के साथ आलिया भट्ट हाल ही में सुर्खियों में रहती हैं। वहीं बात करें अगर आलिया भट्ट की फिल्म जिगरा की तो यह फिल्म उतनी खास कलेक्शन तो कर नहीं पाई, लेकिन हाँ ये फिल्म दशहरे के मौके पर 11 अक्टूबर को रिलीज जरूर हुई थी। फिल्म में आलिया और विदांग रैना भाई बहन के किरदार में नजर आए। इसी के साथ वही फिल्म की पूरी कहानी इन दोनों के आसपास ही घूमती हुई दिखाई दी है। फिलहाल इस पर आपकी क्या कुछ राय है आप हमें कॉमेंट करके बताएं। वैसे बताते चले कि इस फिल्म का निर्देशन वसन बाला ने किया है, जो कि रिलीज के बाद दर्शकों को कुछ खास इंप्रेस नहीं कर पाई है। क्या कुछ राय कॉमेंट करके बताएं। ऐसी तमाम लेडीज खबरों को जानने के लिए जुड़े हमारे साथ और देखते